सिख गुरुओं ने मुगल आक्रांताओं से तमाम युद्ध लड़े और अंतिम के कई गुरुओं की हत्या के पीछे मुगल आक्रांताओं का ही हाथ था। लेकिन इन सबके बावजूद सिख और इस्लाम के बीच अटूट संबंध रहा है। पहले गुरु नानक देव जी के शिष्यों में कई शिष्य मुस्लिम समुदाय के थे। गुरु नानक देव जी के सबसे प्रिय शिष्य मर्दाना जी भी मुस्लिम ही थे। शुरुआत में सिख गुरुओं को इस्लाम का पूरा साथ मिला था। हर धर्म के लोग सिख परंपरा के साथ जुड़े थे। अब एक बार फिर सिख और मुसलमानों के बीच भाईचारे की एक तगड़ी मिसाल देखने को मिली है। पंजाब के बरनाला जिले के मूम गांव में ग्रामीणों ने सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल पेश की है। यहां रहने वाले हिंदू और सिख परिवारों ने गांव में ही बसे चंद मुस्लिम परिवारों के लिए मस्जिद का निर्माण कराया है। आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल स्थानीय मुस्लिम आबादी के पास इबादत के लिए कोई उचित स्थान नहीं था। सिख समुदाय ने इस बात को समझा और मुस्लिम समुदाय की जरूरतों का सम्मान करते हुए मस्जिद बनाने की पहल की। इस कदम ने एकता, सद्भाव और भाईचारे का संदेश फैलाया जो सिख धर्म के मूल सिद्धांतों में से एक है। सिख धर्म हमेशा से ही मानवता और सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर चलता आया है और यह पहल उसकी भावना को प्रतिबिंबित करती है। बरनाला के गांव मूम के ब्राह्मण समुदाय ने अपने धार्मिक स्थल में से 2 मरला जमीन गांव में रहने वाले मुस्लिम लोगों को दान कर दी और उस स्थान पर मस्जिद बनाने का काम शुरू कर दिया गया। यहां के ब्राह्मण सभा के नेता पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि गांव के मुस्लिम समुदाय के लोग यहां धार्मिक स्थल बनाना चाहते थे लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम भाइयों की आस्था का सम्मान करते हुए हमने फैसला किया कि गांव में माता रानी मंदिर के पास खाली पड़ी 2 मरला जमीन उन्हें दे दी जाएगी। ब्राह्मण सभा के भूपिंदर शर्मा ने कहा कि मस्जिद निर्माण के लिए सिख भाइयों ने धन की व्यवस्था की और इस तरह हम सभी लोगों ने मिलकर इस धार्मिक स्थल के निर्माण में अपना योगदान दिया। वहीं मस्जिद समिति के मोहम्मद काजिम ने कहा कि हिंदू और सिख भाइयों ने न केवल हमें मस्जिद बनाने के लिए जमीन और पैसे दिए बल्कि वे अपने हाथों से निर्माण कार्य में लगे लोगों को चाय और पानी भी मुहैया कराया। काजिम ने देश के मुसलमानों से राजनीति से दूर रहने और आंतरिक सौहार्द की रक्षा करने का आग्रह किया। सिखों द्वारा बनाई गई इस मस्जिद का निर्माण उस क्षेत्र में किया गया जहां मुसलमानों की संख्या अधिक नहीं है लेकिन उन्हें अपनी धार्मिक प्रार्थना के लिए एक जगह की आवश्यकता थी। सिख समुदाय ने अपनी सहायता और समर्थन से मस्जिद का निर्माण किया ताकि उनके मुस्लिम भाई स्वतंत्रता के साथ अपने धार्मिक कार्यों को निभा सके। इस आयोजन ने साबित कर दिया कि भारत जैसे विविध पूर्ण देश में सभी समुदाय एकता और सहयोग के माध्यम से एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। इस पहल की पूरे देश में सराहना हो रही है और इसे सांप्रदायिक सद्भाव का एक आदर्श उदाहरण माना जा रहा है। यह घटना न केवल पंजाब के सिख समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। इस तरह की पहलें समाज को यह सिखाती हैं कि प्रेम और समर्पण के माध्यम से किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक विभाजन को मिटाया जा सकता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।